साजा बनाएंगे राजमे के कटलेट। इसके लिए मैं राजमे को एक दिन पहले रात में भिगो के रख लिया था। और अब हमको चाहिए उबले हुए राजमे, उबली हुई मटर, बेसन, उबले हुए आलू, कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई अदरक, कुटे हुए लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला, आमचूर पाउडर। और हम जार लेंगे, जार में हम राजमे को डाल के अच्छी तरीके से पीस लेंगे। और हम राजमे को अच्छी तरीके से पीस लिया है। और अब हम बाउल में आलू डालेंगे और आलू को अच्छी तरीके से क्रश कर लेंगे। और हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, उबली हुई मटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला। और हम इसमें डालेंगे बेसन, इसमें हम डालेंगे राजमा, अब हम इसमें ऊपर से हरा धनिया ऐड करेंगे। फिर हम इसको अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे। हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। और अब हम इसमें अपने हाथों पे तेल लगाते हुए इसी गोलियां काट लेंगे और इसको हल्के हाथों से शेप दे देंगे। और अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे अपने राजमे के कटलेट्स। हम इसे मीडियम आंच में अच्छी तरीके से पका लेंगे। हम इसको अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। और अभी अच्छी तरीके से पक चुके हैं, अब इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे राजमे के कटलेट्स को अच्छी तरीके से पका लेंगे। ये भी पक चुके हैं और अब हम इसको भी निकाल लेंगे। और अब तैयार है बनके हमारे राजमे के कटलेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।